कनाडा की प्रधानमंत्री यहाँ आई थी फ्लोरा डोनाल्ड। एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई, वित्त मंत्री भी रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे दिल को अगर किसी आंदोलन ने छुआ है तो ये मैती आंदोलन है, मैं कनाडा जाकर के इस आंदोलन को कोड करूंगी और उन वहाँ के लोगों को बताऊंगी। नमस्कार, मैं मनोज धानी। आज हम युवा आह्वान की बायोपिक सीरीज जो युवाओं की प्रेरणा के लिए बनाई जा रही है, इसमें उत्तराखंड की एक बड़ी शख्सियत पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में इंस्पायर किया है युवाओं को और जिसकी प्रेरणा लेकर नए क्रांतिकारी कदम रचाए जा रहे हैं, उस विषय पर बात करेंगे। और मैं सीधे कल्याण सिंह रावत जी से कुछ सवाल करूंगा। तो आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी, महोदय, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई और परिवार का है तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी बताएं। हाँ, मेरी शिक्षा दीक्षा तो मेरे गांव में हुई, प्रारंभिक शिक्षा, और जनपद चमोली का विकास खंड कर्णप्रयाग जिसका एक गांव है बैनौली, और ये उस समय की गढ़वाल की एक राजा की राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, वहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर हवाई दूरी पर मेरा गांव है। और मेरा गांव का प्राथमिक विद्यालय इतना पुराना है कि उस विद्यालय में बद्रीनाथ के रावल के जी के लड़के ने भी शिक्षा ली थी, और उसी विद्यालय में मुझे भी शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रारंभिक विद्यालय मैंने वहीं से किया और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल मेरे गांव के ऊपर एकमात्र उस क्षेत्र का एक जूनियर हाई स्कूल था चौरासैन, वहां से मैंने 8 पास किया। उसके बाद फिर मैं पौड़ी, पिताजी मेरे वन विभाग में थे, तो उसके बाद 7वीं कक्षा को पार करने के बाद मैं पिताजी के साथ चले गया। उसके बाद पौड़ी में राजकीय जूनियर हाई स्कूल कलजीखाल, वहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल कांसखेत से पास किया था, और फिर उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र चमोली ज़िले में कर्णप्रयाग हो गया, और उसके बाद मेरी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मेरे कर्णप्रयाग वार मेमोरियल इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग से हुई। उसके बाद मैं स्नातक करने के लिए गोपेश्वर चले गया, और पीजी कॉलेज गोपेश्वर से मैंने वनस्पति विज्ञान से एमएससी किया, उसके बाद बीएड किया, और उसके बाद फिर एमए इतिहास और राजनीति शास्त्र से भी मैंने वो किया। 1979 में मेरी पोस्टिंग हो गई और सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के पद पर मुझे पौड़ी के एक बहुत सुदूर विद्यालय में, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौरीखाल, मेरी पहली नियुक्ति हुई। तो इस प्रकार से मेरे प्रारंभिक शिक्षा चमोली, पौड़ी और इन दो जनपदों में ही संपन्न हुई, और हायर एजुकेशन मैंने गोपेश्वर से की, और गोपेश्वर में ही 1974 में जब चिपको आंदोलन चल रहा था तब मैं भी काफ़ी सक्रिय था, और आदरणीय भटजी के साथ चिपको आंदोलन में मैं भी कूदा। उसके बाद जोशीमठ रैणी गांव गए, वहां से महिलाओं का साथ दिया, नशाबंदी आंदोलन में उनके साथ कार्य करता रहा। तो एक प्रकार से समाज और पर्यावरण को बचाने का एक ये कहें कि मुद्दा जो था वो मेरे अंदर जागा, और मैंने भी लगा कि मुझे भी अपने पहाड़ को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ, अध्यापन के साथ साथ मैं इन कामों को जहाँ भी रहा करने लगा। तो ये एक मेरी प्रारंभिक शिक्षा का एक वो रहा, और इसी दौरान फिर मैंने गोपेश्वर में रह कर के ही सामाजिक क्षेत्र का और पर्यावरणीय क्षेत्र के जो समस्याएं थी उनको समाधान के लिए काम करने का एक संकल्प लिया। और सबसे पहले गोपेश्वर में 1976 में हिमालय वन्यजीव संस्थान खोला था मैंने,
और ये था कि मैं हिमालय के वन्य प्राणियों को बचाने का काम करूं, क्योंकि हिमालय में धीरे धीरे जो है वन्य प्राणियों पर बड़ा संकट आ गया था। हिमालय के वन्य जीवों का एक प्रकार से तस्करों के द्वारा बड़ा ह्रास हो रहा था। इधर सरकार भी उन वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कई योजना बना रही थी, लेकिन तस्करी के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तो ये आया कि हम अगर हमारे हिमालय खाली हो जाएगा तो हम कल हमारी जैव विविधता को खतरा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको बचाना है। प्रोफेसर साहब, जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है वो बड़ी विविधता भरी है और बहुत ही अनूठी और बड़ी रिच कल्चर उत्तराखंड का है। आपके माताजी मांगलिक गीतों की बड़ी गायिका और रचनाकार हुआ करती थी, पिता वन विभाग में थे, तो इन दो पहलुओं ने और आपने उसके बाद जो शिक्षा दीक्षा ली वो जीव विज्ञान में ली, तो इन दो पहलुओं ने आपको किस तरीके से प्रभावित किया? हाँ, सबसे बड़ी बात है संस्कृति और प्रकृति दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के पर्याय हैं, और बिना इन दूसरे के संस्कृति के न तो प्रकृति चल सकती है न प्रकृति के संस्कृति चल सकती है। दोनों का साथ चलना हमें ज़्यादा फलदायी लगता है। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, बाद में वो रेंज अधिकारी नंदप्रयाग से रिटायर हुए, और उसके बाद पिताजी का जो सामाजिक क्षेत्र था, उनका जो कर्मठता थी, ईमानदारी थी, वो सबको मेरे उनके अधिकारियों को बड़ा अच्छा लगता था कि ये आदमी इतना कर्मठ है। और वो थे, और उससे भी पहले भी मेरे दादाजी जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में फॉरेस्ट गार्ड थे, थराली के क्षेत्र में मेरे दादाजी का बड़ा नाम था, और उसके बाद पिताजी फिर फॉरेस्ट में आए। और मेरी भी खुद इच्छा थी कि मैं वन विभाग में जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सका और मैंने शिक्षा विभाग का दामन थामा। माताजी मेरी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अपनी संस्कृति से बड़ा लगाव रखती थी। मेरे गांव में जो भी मांगलिक काम होते थे माँ उनके मांगल गीतों को गाती थी, और वो सब कुछ मेरी नानी और से माँ को मिला, और माँ सारे मांगल गीत उन्हें याद रहते थे। अच्छी आवाज़ में मैंने उनके मांगल गीत भी रिकॉर्ड किए, अपने पास धरोहर के रूप में रखे। तो माँ हमको सिखाती थी कि अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ो, उसको आगे बढ़ाओ, और एक अच्छी संस्कृति माँ ने हमको दी। बस ये था, कभी पिताजी की जंगल में आग लगती थी तब सारे गांव वालों को लेकर के बुझाने जाते थे, तो मैं भी उनके साथ जाता था, तो मैं भी एक अनुभव होता था कि किस तरह से आग बुझा रहे हैं। पिताजी कहते थे कि तुम दूर रहो, इधर मत आओ, तो मैं दूर से ही तमाशा देखता था, लेकिन वो देखता था कि देखा हमारी वनस्पति हमारी पेड़ सब जल रहे हैं, पेड़ जलेंगे इनके साथ, इतने पक्षियाँ जलेंगे, इतने जीव जंतु जलेंगे, तो ये भाव पैदा होता गया। और इसीलिए बाद मैंने सबसे पहले जब स्टूडेंट लाइफ में था अपने बच्चों को अपने साथियों को मिला करके जो एक संस्था खोली हिमालय वन्यजीव संस्थान, और उसके बाद हमने बहुत बड़ा काम किया। लगभग हमने हिमालय क्षेत्र में जब बर्फ़ गिरती थी वहाँ से जो जानवर शिकारियों के चंगुल में आते उनसे हमने बचाया उनको, और लगभग 5,000 से अधिक जानवरों को हम बचाने में सफल रहे। उत्तरकाशी के हरनौल सरनौल और गंगटाड़ी उधर के क्षेत्रों में हमने कैंप लगाए गांव में जा कर के, इधर देवाल की तरफ मंदोली वाण और ऊपर हरमनी इन जगहों में हमने कैंप लगाए और लोगों को जागृत किया कि अगर आपके क्षेत्र में इस तरह के कुछ लोग आते हैं तो आप उनसे लड़िए, क्योंकि वो आपकी धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ता गया, तो ये सारे धरोहर मुझे जो कुछ भी मिला मेरे माँ बाप से मिला। और उसके बाद पिताजी रिटायरमेंट होने के बाद फिर उसमें आए, राजनीति में आए, और ब्लॉक कर्णप्रयाग के ब्लॉक प्रमुख बने। फिर उन्होंने 5 साल ब्लॉक प्रमुख किया, उसके फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर उन्होंने लोग चाहते थे कि फिर बने, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, अब नए युवाओं को इसके साथ दीजिए और वो आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पिताजी की बहुत कुछ जो हमें सीखने को मिला माँ से मिला, वो सब कुछ ये मिला कि धरती से प्यार करो, धरती ही हमारी माँ है, असली माँ है, और अगर हम इसे बचाएंगे तो यही सब कुछ धरती हमें देगी। आपने चिपको आंदोलन में भागीदारी की आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ, उस काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती रहती है वैसे, लेकिन आप उसके साक्षात्कार रहे हैं, भागीदार रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या करती थी महिलाएं, वो क्या था वो आंदोलन का थोड़ा सा जीवटता। चिपको आंदोलन एक वनों को बचाने का आंदोलन था, जबकि एक इलाहाबाद की भल्ला कंपनी को सारे जंगल बेच दिए गए थे
और जो हमारी कीमती लकड़ी थी जिनसे ये स्पोर्ट्स गुड बनते थे, उसमें से विशेषकर चमखड़ी के एक बहुत कीमती लकड़ी हमारे पहाड़ों में होती है, उसके जंगल के जंगल जब बिके तो वो यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका ठेका नहीं मिला, बल्कि बाहर के लोगों को उनका ठेका मिला। और वही रोष यहाँ के लोगों में जाग गया और हमारे दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, उसमें मान्य चंडी प्रसाद भट्ट जी उस समय दसोली स्वराज्य मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको भी बड़ा दुख हुआ कि हम भी इस काम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन हमें लकड़ी नहीं मिलती है, तो हम अपना छोटे छोटे जो हमारे उद्योग धंधे हैं कैसे चल पाएंगे। तो ये सारा पीड़ा थी सबके अंदर, जो ऊपर रेणी का इतना खूबसूरत जंगल बिक गया था और सारे कंपनी के जो मजदूर थे उस जंगल को काटने के लिए तैयार थे, तो वहाँ की महिलाओं ने बड़ा पहल की और गौरा देवी उनमें प्रमुख थी, जिसने कि वहाँ से आह्वान किया कि आप अगर हिमालय को बचाना है तो हमारे इन जंगलों को बचाना होगा क्योंकि जंगल हमारे मायका हैं। तो फिर वो भट्ट जी के पास आए, फिर वहाँ पर गोविंद सिंह रावत जी एक ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे जोशीमठ में, जो कि वास्तव में चिपको आंदोलन की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी थी। उन्होंने ही वहाँ महिलाओं को प्रेरित किया और जब ये मजदूर वहाँ पेड़ काटने गए तो उसी दिन हम लोग भी भट्ट जी के नेतृत्व में गोपेश्वर से जोशीमठ आए थे। भट्ट जी ने मुझसे कहा था कि वहाँ जाना है, अगर वो पेड़ काटेंगे तो हम उन पर चिपक जाएंगे और ये साहस तुम लोग करो, और मुझसे कहा कि तुम लड़के तैयार करो। तो मैंने 150 लड़के तैयार किए थे और एक ट्रक में भर करके हम लोग जोशीमठ गए थे। और फिर वहाँ पर रावत जी ने हमको होटलों में खाना खिलाया, उसके बाद कहा कि अभी आप लोग बैठे रहिए और जब वहाँ रेणी से कोई सूचना हमको मिलेगी कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है तब हम आगे कार्यक्रम करेंगे। तो 3 बजे ऊपर से कोई आदमी आया और उसने कहा कि वहाँ अब जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने सारे मज़दूरों को जो वहाँ पेड़ काटने के लिए गए थे वो पेड़ों पर चिपक गए थे, वो एक भी पेड़ नहीं काट पाए और उन सबको वहाँ से खदेड़ करके महिलाओं ने भगा दिया है, इसलिए वहाँ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर वहाँ से लौट गए। तो ये एक बड़ा वो था हमारे अंदर कि वास्तव में एक डर भी था कि हम जब पेड़ काटने लगेंगे तो हमको चिपकेंगे तो कहीं वो हमको कुलाड़े से काट देंगे, तो ये डर था। लेकिन फिर हमने कहा इतने सारे 150 बच्चे हैं, ये हम पर भी तो ताकत है, हम भी तो आजमाएंगे उनसे, उनकी हिम्मत कैसे आ जाएगी हमको काटने की, ये सब कुछ था। फिर धीरे धीरे फिर हम इस चिपको आंदोलन के एक अंग बन गए और भट्ट जी के साथ कैंपों में जाते थे, कहीं और कार्यक्रम होते, सर्वोदय के नेता थे, कभी मध्य निषेध कार्यक्रम, कभी गांधी कस्तूरबा के कार्यक्रमों में हम लोग बड़े खुल के भाग लेते थे। और ये हमारा पहला अनुभव रहा मेरा कि जो चिपको आंदोलन में भाग लेने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। आंदोलनों के इस इतिहास के बीच आप जब पठन पाठन के क्षेत्र में उतर आए तो एक जो भावनात्मक आंदोलन आपने प्रारंभ किया जैसे मैथी आंदोलन और जो विश्वविख्यात हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये अचानक कैसे सृजित हुआ, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया कि ये मैथी आंदोलन चलाया जाए और फिर उसको क्या क्या कठिनाइयां आपको उस क्षेत्र में आई और किस तरीके से लोगों को आपने मोटिवेट किया जी। उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, जब मैं पहले मेरा पोस्टिंग पौड़ी में चौरीखाल में हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर वहीं से एक शुरुआत हुई थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था कालिंका देवी का और साल में एक बार वहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता था और उसे उसमें कम से कम 400-500 भैंसे मारे जाते थे, 2,500 बकरियां मारी जाती थी, इतना बड़ा बलियां वहां पर होती थी। तो मेरे मन में आया कि हम इतने निरीह प्राणियों को मार रहे हैं और यहां पर जो लोग इस तरह के इन जानवरों को देवी को समर्पित कर रहे हैं इसके पीछे भाव क्या था, कि छोटी छोटी लड़ाइयां होती थी, कोर्ट में उनके केस चल रहे होते थे और वो देवी को चढ़ाते थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप देवी तेरे लिए हम एक भैंसा और 2 बकरियां चढ़ा लेंगे, इस तरह की छोटी छोटी बातें थी। और मैं देखता था कि उनके बच्चों के पाँव पर जूते नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं और इधर वो इतना बड़ा पैसा अपने इस उसमें खर्च कर रहे थे। फिर मैंने कहा इन लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। फिर मैं गाँव में जा करके लोगों को मैंने समझाया कि भाई तुम्हारे क्या, क्यों तुम इस तरह के वो कर रहे हो।
ठीक है, देवी को मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, वहाँ पर एक अनुष्ठान कीजिए, बड़ा अनुष्ठान कीजिए, देवी का कोई ऐसा अनुष्ठान कीजिए कि देवी सात्विक रूप से उसको खुश कीजिए, हम बलि प्रथा को क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ और भी पर्यावरणीय काम किए, वहाँ पर बच्चों के लिए मैदान नहीं था, मैंने गांव वालों से मांग के ज़मीन ली, रोज़ बच्चों से श्रमदान किराया, बच्चों के लिए वॉलीबॉल का फील्ड बनाया, गांव में जा कर के रामलीला करवाई, उनसे कहा कि किस तरह से रामलीला होती है, तो उस तो उन लोगों में एक बहुत बड़ी हुई। अब बाद में वो लोग मेरे प्रति इतने आसक्त हो गए कि मैं कोई भी बात बोलता था, वो छोटे मोटे उनके झगड़े होते तो मेरे पास आते थे कि गुरु जी हम हमारा ये होगी सुलझा दो, ये कैसा। तो ये एक प्रकार से मैं वहाँ पर एक न्यायिक भूमिका भी निभाने लग गया। प्रोफेसर साहब, मैथिली आंदोलन जो है आज की तारीख में कम से कम उत्तराखंड में तो बहुत फैल चुका है, और अब लोग बाकायदा अपने शादी ब्याह के कार्यक्रमों में उसे एक कार्यक्रम करते हैं। तो मैथिली आंदोलन में मैथिली आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम हुए, किस तरीके से लोगों को बताया गया, और वो भावनात्मक जो पक्ष है उसको कैसे इस लेवल तक ले आए आप, जरा थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, 95 में मैं राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम में प्रवक्ता के पद पर था, जीव विज्ञान के पद पर, और इस बीच में मैंने बहुत सारे इनोवेशंस किए। उसके बाद मैं सबसे पहली अपॉइंटमेंट मेरा पौड़ी में हुआ, उसके बाद 4 साल मैं पौड़ी में रहा, उसके बाद मैं फिर उत्तरकाशी के बहुत सुदूर क्षेत्र में राजगढ़ी चले गया, और राजगढ़ी जाने के बाद मैं फिर 3-4 साल वहाँ रहा, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं ग्वालदम चले गया। ग्वालदम जाने के बाद ही ये मैथिली आंदोलन 1995 में शुरू हुआ था। इस बीच मैंने देखा था कि बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हर साल ही होता था कि इतने लाख पेड़ लगेंगे, इतना पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि कई जगह पर जहां वृक्षारोपण हुआ उसके बाद दूसरे साल वहां एक पेड़ भी जिंदा नहीं रहा। फिर उसके बाद कोई एनजीओ आया, उसने पेड़ लगाए उसी जगह पर, वो भी जिंदा नहीं रहे। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह के वृक्षारोपण हो रहे होंगे तो फिर कैसे ये पेड़ जिंदा रहेंगे, हमारी धरती कैसे बच पाएगी, हमारी नदियाँ कैसी जिंदा रह पाएंगी, हमारा हिमालय कैसे जिंदा रह पाएगा। तो ये मुझे चिंता सता रही थी कि क्यों हम कोई लाख पेड़ लगाने की बात ना करें, हम केवल 2 पेड़ लगाने की बात करें, 1 पेड़ लगाने की बात करें, और 1 पेड़ लगा करके हम उसको बचा दें तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये ख्याल मेरे मन में रहा। तो फिर लगा कि कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर भावनात्मक रूप से हम किसी पेड़ को लगा दें तो वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा, और यदि वो पेड़ ज़िंदा रहेगा तो वो कल इस धरती के लिए, इस नदियों के लिए एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। फिर मुझे लगा कि उत्तराखंड में बेटियों का, माँ का एक ऐसा आपसी रिश्ता है, ऐसा भावनात्मक रिश्ता है कि माँ के साथ बेटी जुड़ी होती है, और बेटी जहाँ जहाँ माँ जाती है वहाँ साथ जाती है, घर से लेकर, चौके से लेकर, खलिहान से लेकर, जंगल से लेकर, हर जगह बेटी माँ के साथ खड़ी रहती है और माँ का साथ देती है। जिस दिन बेटी की शादी होती है उस दिन सबसे ज़्यादा दुख जो है माँ को होता है, और माँ अपनी बेटी की जुदाई को नहीं सहन कर पाती है, और उसको लगता है कि मेरा एक बहुत बड़ा सहारा आज जा रहा है। यही भाव, यही बेटी के और माँ के बीच के इस दर्द को मैंने एक पेड़ से जोड़ा कि अगर बेटी जाते समय अपने दूल्हे के साथ अपनी शादी की यादगार में अगर एक पेड़ लगा देगी, अगर उस पेड़ को कोई नहीं बचाएगा उसकी माँ ज़रूर बचाएगी, क्योंकि माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी, उसको जिंदा रखेगी। पिताजी उस पेड़ को बचाएंगे, मेरी बेटी का पेड़ है, भाई उस पेड़ को बचाएगा, मेरी बहन का पेड़ है, उस पेड़ के कितने माली हो जाएंगे, वो पेड़ जिंदा रहेगा। और ये भाव लगा कि वास्तव में ये भावनात्मक रूप से लगाया गया पेड़, ये कहीं ना कहीं एक साल में कई लाखों शादियां होती हैं, अगर ये परंपरा चल पड़ी तो हम हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारे सारे वो बच जाएंगे भावनात्मक रूप से। और इसको मैंने प्रकृति और संस्कृति दोनों को जोड़ करके एक नया रास्ता निकाला कि इस तरह के अगर पेड़ लगेंगे तो ज़रूर वो पेड़ जिंदा रहेंगे, और कल हम इस धरती को वास्तविक रूप से एक बड़ा उपहार दे पाएंगे।
क्योंकि जब हम देखता हूँ कि जब हम बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनकी खबरें छप जाती हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद कोई भी अपने पेड़ को देखने नहीं जाता है कि मेरा पेड़ जिंदा है या नहीं है, उसको खाद पानी की ज़रूरत है, तो इस तरह के पेड़ कैसे पनप पाएंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी तरह का वृक्षारोपण जो आज हो रहा है, लाखों लाखों की संख्या में कागजों में तो लग जाते हैं लेकिन धरती पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और हम केवल इतिश्री करके रह जाते हैं कि शायद हमने धरती के लिए बहुत कुछ किया होगा। ये थे प्रोफेसर कल्याण सिंह रावत, मैथी आंदोलन के संस्थापक, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैथी आंदोलन, जो चिपको आंदोलन से चलते हुए उनका सफ़र हुआ, और उसके बाद मैथी आंदोलन और अनेकों वृक्षारोपण के कार्यक्रम जो कई राज्यों में और राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। युवाओं को एक दर्शन जो उन्होंने अभी नया दिया है पूरे समाज के लिए, ट्रिपल पी और ट्रिपल एस, ट्रिपल पी यानी पांच पीपल के पेड़ और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, छोटे से उनका संदेश है कि छोटे छोटे कार्यों से बड़ी बड़ी रचनाएं होती हैं, प्रारंभ होती हैं, और हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग जैसे